अच्छा उठो, मैं बताती हूँ। आओ उठो। इसे कौन बैठता है? नादिर भाई आए हुए हैं, अम्मी उनके पास बैठी हुई है। तुम्हें पता तो है अम्मा को आपा के अलावा कोई और नजर नहीं आता। क्यों, वो क्यों है? वही पुराना चक्कर, लेकिन नाम खामखा तुम्हारा आता है। उन्हें लगता है कि उनकी जो बेइज्जती हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने क्या किया है? मेरी वजह से क्यों बेइज्जती हो रही है? वही सुफियान से मंगनी और फिर ये सब, उनको लगता है उनके साथ धोखा हुआ है तुम्हारी वजह से। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम जाके बोल दो उन्हें कि मेरी मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। इसी बात पे तो मैं हैरान हूँ। भला तुम एक अकेली सबकी बेइज्जती थोड़ी ना कर सकती हो। लेकिन क्या करें, यहाँ भी यही हालात है। इन सबको भी लगता है कि इनकी बदनामी तुम्हारी वजह से हो रही है। इन सबको किसको? तुम्हारे ससुराल वालों को। फूफो कह रही थी कि उनके बड़े ख्वाब थे असमंत की शादी के, लेकिन तुम भाग आई ना। और दिल पर मत लेना, लेकिन फूफो ने तो ये भी कहा है कि तुम्हारी बीमारी की वजह से उनको काफी जिल्लत उठानी पड़ती है। कह रही थी कि मैं किस किस की जुबान पकड़ूं, किस किस का मुंह बंद करूं, लोग तो बहुत मजाक उड़ाते हैं उनका। ऐसा ऐसा फूफो ने कहा मुझसे खुद। तो तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? छोड़ो ना, मुझे क्या लगता है क्या नहीं, इससे क्या। बस मैं यहाँ तुम्हें इतना बताने के लिए आई हूँ कि आजकल के दौर में ना हो किसी को अपना समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए तुम अपनी आंखें और अपने कान खुले रखा करो। तो तुम्हें लगता है कि मैं बुरी हूँ? हाँ। और लोग तो अब तरह तरह की बातें करेंगे ना, आदत जो है लोगों की, लेकिन तुम ना गौर करो इन बातों पे। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। उठो यहाँ से, उठो। पागल तो नहीं होगी हूर, ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैंने कर रही, बकवास तुम कर रही हो। मेरे सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। चलो, मुझे पता तुम झूठ बोल रही हो। चलो चलो चलो, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। हूर, ये क्या बकवास है? हाँ,